अरमान अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनीर अहमद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनीर गिल ऑफिशियल। तो आज जुमातुल मुबारक है और मैं पढ़ने जा रहा हूँ जुमा, आप भी पढ़ें जुमा। और आई होप दुआ कीजिएगा सब मुसलमान बहन भाइयों के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें तंदरुस्ती दे, जो बीमार हैं उन्हें तंदरुस्ती दे, जो बेरोज़गार हैं रोज़गार अता फरमाए, और जो इस दुनिया से रुख्सत कर गए अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। चलें करते हैं वीडियो आज की स्टार्ट। जद हमारे घर से कोई 5-6 एकड़ दूर है, यहाँ तक तो ज़मीन है, उसके बाद गांव स्टार्ट हो, ये गांव ही है। आपको आवाज़ भी आ रही होगी मौज़न की मस्जिद से, और ये माशाल्लाह अभी तैयार होने वाली है, बस थोड़ा टाइम ही रहता है। इसको दोबारा पानी वगैरह लगा देते हैं। पक्की सड़कें और ये पहले कच्ची होती थी, अब ये पक्की बन गई, वो काफ़ी ये देखे ना खुली खुली हैं, सारी पक्की बना दी हैं। अभी जुमा पढ़ के घर पहुंच चुका हूँ, अभी करूँगा, अभी खाऊँगा खाना और उसके बाद और जो काम है रहते हैं वो करेंगे। तो अभी खाने में देखते हैं क्या आज खाने को मिलेगा, खाना खाते हैं। और ये आप लोगों से एक है कि जुमा पढ़ें, जुमा पढ़ने के बाद पूरी की पूरी नमाज़ पढ़ा करें। कुछ लोग होते हैं 2 रकअत जुमा पढ़ के फौरन भाग जाते हैं, ठीक है, और सारी नमाज़ भी पढ़ लिया करें, बहुत स्वाद होता है। खाने में आया मसर, ये मसूर की दाल है, साथ देसी घी का पराठा है, और ये है प्याज, ये रायता बनाते होते हैं दोपहर में ना, अच्छा होता है। साथ इसके साथ लस्सी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मज़ा आ गया। वो ये चेक करते हैं, जबरदस्त। टमी 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 चुम्मी आया, उधरू आना ही, उधरू चल आ जा, टुम्मी 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 आया, आ जा आ जा, पानी दे बिच ना आई टोमी। चल नहीं मुर्गियाँ, और ये क्या खाती हैं और कैसे, ये देखें, ये आपको बाज़ार से नहीं मिलेगी, बाज़ार वाले फार्म में रखते हैं तो फीड, ज़ाहरी बात है फीड कई केमिकल्स होते हैं और नुकसान करती है इंसानी जिस्म को। और ये होते हैं कि ये घर पाले होते हैं, इन्हें दाना डाला जाता है, गंदम के दाने, चावल के दाने, या दूसरा ये खुद ही, ये देखें सूढ़ियाँ वगैरह कीड़े वगैरह ढूँढती हैं, और इन्होंने खुद ही सारा खा पी के वो वापस घर को चले जाना होता है, ये देख। और अंडे अंडे ये मतलब सही देती हैं सीज़न में, जब सर्दियां आती हैं तो काफ़ी देती हैं, कोई गर्मियों में देती हैं कोई सर्दियों में। ये मुर्गे नज़र आ रहे हैं, और ब्लैक मिस्री, मिस्री नहीं है, प्योर देसी जिसे कहते हैं ना वो वाली, वो देखें एक वो ले। फिर ये चावल इधर आम है, फसल चावल की फसल आम है, तो इस वजह से यहाँ से इन्होंने खाना वगैरह अपना खा लेना होता है। तो आज का टॉपिक था देसी मुर्गियाँ। इस चैनल पे आपको देसी टाइप की हर चीज़ मिलेगी, तो जल्दी से जाकर चैनल को कर दे सब्सक्राइब। अभी मैं बैठा हूँ बाहर और देख रहा हूँ, मौसम अच्छा है।
बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज देसी फूड। आज आपको दिखाने जा रहे हैं जी धान की फसल, चावल की फसल। और ये तकरीबन अभी लेगी एक दो माह लेगी। ये देखे ना चावल हो रहे हैं। तो आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ये जी चावल है और देखें पानी अभी तक खड़ा हुआ है। और जब तक ये बिल्कुल लाल नहीं हो जाती, लाल जब मतलब कि चावल पक जाएगा। अभी इसके अंदर चावल नहीं, मैं आपको दिखा दूं। ये अभी हम तोड़ते हैं और नाखन से दबा के देखते हैं तो इसके अंदर अभी चावल नहीं है। पानी का जैसे नहीं होता मिक्सचर, वो भी अभी नहीं है। अभी ये बन रहे हैं, इनके अंदर अभी टाइम लगेगा, उस हिसाब से फिर इनके अंदर दाने बनेंगे। मतलब दूध टाइप बनता है, फिर वो दाने बनेंगे और फिर वो आस्ते आस्ते खुश्क होते जाएंगे। जब इनका रंग गोल्डन हो जाएगा ब्राउन, तब ये पक जाएंगे फसल। फिर इसकी कटाई करके चावल अलहदा कर देंगे। और इस फसल को पानी, ये देखें अभी तक खड़ा है, कितना कितना पानी खड़ा रहता है। और धान की फसल को पानी चाहिए, जब ये पानी के अंदर ही होती है और पानी के अंदर से ही निकाली जाती है। मतलब एक पनीरी होती है ना, पनीरी को पानी के अंदर शिफ्ट करते हैं और उसके बाद खादे वगैरह स्प्रे वगैरह लगाने के बाद जब ये पक जाती है तो उस वक़्त भी फसल के अंदर पानी होता है, नमी होती है। और इसके बाद फिर गंदम हम काश कर देते हैं। तो मैं आज ये वीडियो आपको इस वजह से दिखाना चाह रहा था कि विलेज देसी फूड के नाम से हमारा चैनल है। हम विलेज में जो जो चीज़ें होती हैं देसी टाइप की, दूसरी जो भी हम बेचते हैं वो हम आपके सामने लाएंगे। तो काइंडली वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी। अभी स्प्रे करवाई थी और स्प्रे आप ये देखें दाने काले हैं ना, हाँ ये साफ़ हो जाए, तो इस वजह से स्प्रे करवाई। और स्प्रे भी ज़रूरी, खाद भी ज़रूरी है ताकि आपकी फसल अच्छी हो, पैदावार में इजाफा हो, इस वजह से ज़रूरी है। दुआ में याद रखेगा, अल्लाह हाफिज़। इसका तो नहीं पता चलेगा क्योंकि इसकी अभी दाने नहीं निकले। अभी ये फसल को काफ़ी टाइम चाहिए, ये हमने लगाई है कायनात, तो इसको काफ़ी टाइम चाहिए। तो दूसरी फसल मैं दिखाता हूँ, ये वाली फसल है। तो इसको हमने स्प्रे करवाई थी, अब माशाल्लाह अच्छी है। इस फसल में ये है कि इसमें रेड रेड हो रहे हैं, ये जल्दी पक जाएगी। अब देखें ना इनका कलर देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जल्दी पक जाएगी। चल नहीं, इनका दरख्त है और इसका मैं बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये कट लगाए जाते हैं जब इसका मतलब कि अभी तो मौसम नहीं है, अभी नेक्स्ट 6 माह बाद तकरीबन आएगा इसका मौसम। तो इसको कट इस वजह से लगाए जाते हैं कि जामुन मोटे हों, बट ये मुझे आज तक नहीं इसका पता है चला कि इससे मोटे होते हैं कि नहीं। तो ये है, इस पर जामुन बहुत अच्छे होते हैं, मज़ेदार होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। साइड पे हमने वो खा लिया कहते हैं, इस भाई पे हमने ना शब्दाला बीजा है। शब्दाले को पता नहीं क्या कहते हैं इंग्लिश में, और अगर किसी को पता है तो वो बताइएगा। इसके अंदर शब्दाला बीजा है हमने और वो भी छोटा छोटा, अभी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो 2-3 दिन तक वो अच्छा खासा नज़र आएगा, फिर आपको दिखाएंगे। ये ऐसे जवार कहते हैं। और ये क्या चीज़ है, ये भूसा है, तूड़ी है और ये जानवरों को डाली जाती है। और ये स्टॉक करके रखी होती है, इस तरह जो बनी होती है ना ऊपर मिट्टी डाली होती है कि आप देखें ना अंदर से ये रेड रेड है,
मतलब कि येलो है, और जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पे पानी अंदर गया हुआ, तो पानी जब अंदर चला जाएगा तो ख़राब हो जाएगी, इस वजह से ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, ये सेफ रहे। तो अभी इतनी यूज़ हुई है 6 माह में, तो अभी 6 माह पड़े हुए हैं। ये बनती है गंदम का जो होता है ना, कचरा होता है उससे बनती है।